दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब IRCTC सर्वर डाउन होता है तो 40 सेकेंड में वेटिंग लिस्ट में कैसे आ जाता है, और सेकेंड नंबर में हम कवर करेंगे जब IRCTC सर्वर डाउन होता है तो आप लोग कंफर्म टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों नंबर वन, IRCTC सर्वर डाउन होता क्यों है और सर्वर डाउन हो जाता है इससे 40 सेकेंड में वेटिंग लिस्ट में कैसे आ जाता है, यानी कि सारे टिकट खत्म कैसे हो जाता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं IRCTC सर्वर क्या होता है, सर्वर काम कैसे करता है और सर्वर डाउन क्यों होता है, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैंने फुल एक्सप्लेन किया हूँ। तो नंबर वन हम बात करते हैं IRCTC सर्वर डाउन होता है तो टिकट गायब कैसे हो जाता है 30 से 40 सेकेंड में। तो एग्जांपल के लिए मान लो एक IRCTC सर्वर है जो चेन्नई में है और वहाँ पे कुछ लोग टिकट बुक करते हैं IRCTC की वेबसाइट से, तो कुछ लोग यहाँ पे मुंबई से सर्च करते हैं, कुछ लोग दिल्ली से सर्च करते हैं और कुछ लोग बिहार से सर्च करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सर्च मानो जो IRCTC का सर्वर चेन्नई में है, कुछ लोग चेन्नई से भी टिकट बुक करते हैं ट्रेन में और कुछ लोग बिहार से भी करते हैं, कुछ लोग मुंबई से भी करते हैं, कुछ लोग दिल्ली से भी करता है। लेकिन जो IRCTC का सर्वर जो है मेन सर्वर चेन्नई में है और कुछ लोग जो दिल्ली से जो सर्च करता है IRCTC की वेबसाइट से, तो रीडायरेक्ट यानी कि दिल्ली के जो IRCTC के जो व्यक्ति दिल्ली से सर्च करेगा तो IRCTC के सर्वर पे पहुंचने में कम से कम 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड लग जाता है। तो 1 सेकेंड में पहुंचेगा और 1 सेकेंड में वहाँ से फिर रिटर्न आएगा नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जाने और आने में 2 सेकेंड लगता है। तो इसी तरह से मान लो दिल्ली से चेन्नई की दूरी जो है 1000 किलोमीटर है, वही कोई व्यक्ति है जो बिहार से सर्च कर रहा है IRCTC के वेबसाइट पे, रीडायरेक्ट हो रहा है IRCTC के सर्वर पे, तो इसका दूरी जो है 1500 किलोमीटर है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसे जाने में यानी कि IRCTC के पेज पे रीडायरेक्ट होने के लिए यानी कि मेन सर्वर पे जाने के लिए कम से कम दिल्ली से मुंबई वाले को अगर 1 सेकेंड लगता है तो बिहार से चेन्नई वाले को अगर जाने में कम से कम 1.5 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड लगेगा, तो 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड आने में यानी कि 4 सेकेंड लग रहा है। यदि नेक्स्ट पेज पे पहुंचेगा तो फिर 8 सेकेंड लगेगा, और वहीं पे दिल्ली वाले यदि सर्च कर रहा है तो वही सेकेंड यानी 1 सेकेंड जाने में और 1 सेकेंड आने में लगता है, यानी कि 2 सेकेंड जाने में यानी 2 सेकेंड में अप डाउन कर रहा है, तो सेकेंड पेज पे पहुंचने के लिए 4 सेकेंड लग रहा है और वहीं बिहार वाले के 8 सेकेंड लग रहा है। कहीं ना कहीं जो नियर बाई में है यानी कि IRCTC के जो सर्वर है, जो व्यक्ति दिल्ली वाले यदि जो टिकट 40 से 50 सेकेंड में टिकट बुक करेंगे कन्फर्म, तो वही बिहार वाले कहीं ना कहीं उसको टिकट बुक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि 1.5 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है, क्योंकि सर्वर पर रीडायरेक्ट होना, उस पेज को फिर से नेक्स्ट पेज पे पहुंचना, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेस होता है IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC के वेबसाइट से बुक करते हैं। यदि आप चेन्नई वाले हैं, जो चेन्नई वाले जो चेन्नई में है इसका IRCTC सर्वर है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली वाले और मुंबई वाले और बिहार वाले से काफ़ी तेज़ वो टिकट बुक करेगा, यानी कि IRCTC के सर्वर यानी 30 से 40 सेकेंड भी यदि चलता है तो मान लो हार्ट रूट का जो टिकट जो है गायब हो जाता है। यानी कि IRCTC के जब आपको टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होगा लगभग आप जब पेमेंट पेज पे पहुंचते हैं आप लोग 2 मिनट 2.5 मिनट तक ही पेमेंट पेज पे पहुंच पाते हैं, अगर स्लीपर का टाइम है तो इतना टाइम लग जाता है, यदि AC का टाइम है तो आपको 1 मिनट 1.5 मिनट तक पेमेंट पेज पे पहुंचते हैं जब तक टिकट खत्म हो गया रहता है। क्योंकि जो IRCTC का मेन सर्वर है उसके पास जो नियर बाई जो बैठे हुए हैं जो टिकट बुक कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं सर्वर फास्ट मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग BPS यूज करते हैं AWS का क्लाउड फॉर्म का, क्योंकि इससे क्या होता है BPS का स्पीड जो होता है काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल इंटरनेट हम यूज करते हैं उसका स्पीड मान लो अगर ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो 100 MBPS 200 MBPS 500 MBPS इस तरह से यूज होता है, लेकिन BPS जो यूज करता है उसको 1500 MBPS 2000 MBPS यूज करता है। AWS का हो गया, कई सारे ऐसे AWS है, फ्री में भी कुछ लोग AWS का अकाउंट बना लेता है, BPS यूज करते हैं, तो इसीलिए BPS यूज करता है कि इंटरनेट स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, किसी हम बफरिंग करने को जो टाइम लगता है बफरिंग करता है IRCTC की वेबसाइट से, जो बफरिंग ना हो, तो आप समझ गए हो यदि IRCTC की वेबसाइट अगर 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद आपका सर्वर डाउन होता है तो भी टिकट खत्म हो गया होता है 30 से 40 सेकेंड में हार्ड रूट में, और कुछ रूट ऐसे हैं जो 4 मिनट 5 मिनट तक टिकट रुक जाता है, तो उस रूट में आप लोग टिकट बुक कर लेते हैं सर्वर डाउन होने के बाद भी, लेकिन जिस रूट हार्ड रूट है तो उसमें सर्वर डाउन हो भी जाता है 1 मिनट बाद या फिर 2 मिनट बाद, तब तक टिकट खत्म हो गया रहता है। तो आप ये समझ में आ गया होगा सर्वर डाउन होता है तो टिकट खत्म क्यों हो जाता है। और सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं यदि IRCTC सर्वर डाउन है तो आप लोग कंफर्म टिकट बुक कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसेस सेम है, आप लोगों को बता चुका हूँ कि तत्काल टिकट 30 से 40 सेकेंड में कैसे खत्म हो जाता है। लेकिन देखो कुछ रूट ऐसे हैं जिसमें 4 मिनट 5 मिनट तक टिकट रुकता है,
उस रूट में आप लोग इजीली तरीके से, यदि सर्वर डाउन भी होता है 3 मिनट 4 मिनट तक, फिर से आप रिट्राई करते रहना है बार बार, क्योंकि सर्वर जो डाउन होता है कुछ टाइम के लिए ही डाउन होता है। एक ऐसे आप अकेले व्यक्ति नहीं हो कि आपके लिए ही सिर्फ सर्वर डाउन होता है, सर्वर डाउन होता है तो ऑल ओवर इंडिया में सर्वर डाउन हो जाता है, इस बात को आपको जानना जरूरी है। तो आपको रिट्राई करते रहना है 14 सेकेंड 15 सेकेंड बाद पे IRCTC रेल कनेक्ट ऐप या फिर IRCTC वेबसाइट पे, क्योंकि जैसे ही सर्वर चलेगा तो आप टिकट इजीली बिल्कुल आसानी से आप लोग IRCTC की वेबसाइट से बुक कर लेंगे। लेकिन हार्ड रूट है यदि IRCTC सर्वर डाउन की प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, क्योंकि ये सब ज़्यादातर सीजन में होता है, होली दिवाली अगर गर्मी की छुट्टी पड़ता है इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि IRCTC की वेबसाइट बिना काफ़ी लोग एक साथ विजिट करते हैं जिसकी वजह से सर्वर डाउन हो जाता है। मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि IRCTC सर्वर क्या होता है, ये डाउन क्यों होता है और IRCTC सर्वर काम कैसे करता है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, मैंने वहाँ पर फुल एक्सप्लेन किया हूँ, तो वीडियो देखेंगे तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। यदि सर्वर बार बार डाउन होता है और हार्ड रूट है जिसमें टिकट 40 से 50 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, तो आप लोग यहाँ पे आइए काउंटर को सहारा लेना है। यदि आप काउंटर पे खड़ा होते हैं तो आप लोग वहाँ से इजीली तरीके से कंफर्म टिकट मिल जाएगा, क्योंकि IRCTC के सर्वर डाउन भी होता है 50 सेकंड या 60 सेकंड बाद, जब तक वो काउंटर वाले जो होते हैं टिकट बुक कर दिए होते हैं 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर अंदर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना।